नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच मुलाकात, और इस मुलाकात के बाद लगातार ये चर्चा कि क्या मिशन 2024 के लिए प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ आने जा रहे हैं। इस चर्चा को विराम दे दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहकर कि ये मुलाकात यूं ही थी। लेकिन क्या राजनीति में जो मुलाकातें होती हैं, रात के अंधेरे में जो मुलाकातें होती हैं, वो यूं ही होती हैं? और क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस बात पर भरोसा किया जा सकता है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा उसको उसी चश्मे से देखना चाहिए कि रात के अंधेरे में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से मिलने पहुंचते हैं और ये मुलाकात यूं ही थी? दरअसल नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच खिचड़ी पक रही है, इसके आसार नजर आ रहे हैं, और कैसे वो हम आपको बताते हैं। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कह दिया हो कि प्रशांत किशोर से जो उनकी मुलाकात थी वो यूं ही थी, बाकी आप प्रशांत किशोर से पूछ लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार कम से कम रात के अंधेरे में जो मुलाकात करते हैं उसका परिणाम दिख जाता है। ऐसे ही ये खबर आई थी कि रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है और अगले दो तीन दिनों में बिहार में सियासी उलटफेर हो गया। बिहार में सत्ता से बेदखल हो गई बीजेपी, नीतीश कुमार लालू यादव के साथ आरजेडी के साथ चले गए, महागठबंधन के साथ चले गए। तो नीतीश कुमार जो करते हैं वो यूं ही नहीं करते। पैदल एक अन्य मार्ग से रावड़ी आवास पहुंचे थे इफ्तार पार्टी में, जेडीयू की इफ्तार पार्टी में जब तेजस्वी यादव पहुंचे तो उनको गाड़ी तक छोड़ने आए थे, और उसका परिणाम दिख रहा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार ने बीजेपी को गच्चा दिया, महागठबंधन के साथ हैं। नीतीश कुमार यूं ही कुछ भी नहीं करते। ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में जब प्रशांत किशोर ये कह रहे हो कि नीतीश कुमार को फेविकोल का ब्रांड एम्बेसडर बना दीजिए, वो कुर्सी से चिपके रहते हैं। नीतीश कुमार ये कह रहे हो कि अंड बंड बोलते रहता है, बीजेपी के लिए काम करने का मन होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये कह रहे हो कि प्रशांत किशोर व्यवसायी हैं, अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, और वैसे वक्त में रात के अंधेरे में नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच मुलाकात हो जाती है। संयोग यह भी है कि पवन वर्मा उससे पहले नीतीश कुमार से मिलते हैं, कहते हैं बधाई देने आए थे। फिर चर्चा यह होती है कि नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को मनाने का टास्क सौंपा है पवन वर्मा को 2024 के लिए, और अभी चर्चा हो ही रही होती है कि मुलाकात भी प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की हो जाती है। राजनीति में इतना सब कुछ यूं ही नहीं होता, राजनीति में संयोगों की गुंजाइश नहीं होती, और इस बात के पूरे आसार हैं कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच खिचड़ी पक रही है या पक चुकी है 2024 के लिए। अब इसको लेकर तस्वीर सब कब साफ होगी, इसका पूरा खुलासा कब होगा, यह देखने वाली बात होगी। अभी नीतीश कुमार इसको खारिज कर रहे हैं, जाहिर है प्रशांत किशोर भी खारिज करेंगे कि मुलाकात यूं ही हुई है। लेकिन नीतीश कुमार का यह स्वभाव नहीं है कि जिसके साथ उनका वार पलटवार हो, जो उनको ये कह दे कि वो कुर्सी से चिपके रहते हैं, उनसे नीतीश कुमार रात के अंधेरे में मिल लें। कम से कम हमारी राजनीतिक समझ यही कहती है। तो खिचड़ी तो पक रही है और खिचड़ी शायद पक भी चुकी है। अब ये जो खिचड़ी पकी है उसका असर क्या होगा और खेल कब से शुरू होता है आधिकारिक रूप से, ये देखना होगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।